शराब के ठेको पर रात्रि 8 बजे तक शराब बेचने के राजस्थान सरकार के आदेशों की अजमेर में कितनी पालना हो रही है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि शहर के अनेकों शराब की दुकानों पर रात 8 बजे बाद धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। शराब के इन ठेकेदारों को ना आबकारी का खौफ है ना ही पुलिस का डर। एक और जहां आबकारी व जिला पुलिस शराब की दुकानों पर कार्रवाई करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर शराब के ठेकेदार रात 8 बजे बाद दुकानों में छोटा सा शटर बनाकर बेखौफ शराब बेच रहे हैं। एमआरपी मूल्य से अधिक शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शराब की दुकानों पर शराब बेची जा रही है, लेकिन अजमेर पुलिस हो या फिर आबकारी, दोनों ही इस मामले से अनजान बनी हुई है। शहर के क्लॉक टावर थाना अंतर्गत विमला मार्केट में स्थित शराब की दुकान, गंज थाना क्षेत्र स्थित शोभराज होटल के सामने शराब की दुकान, कोतवाली थाना अंतर्गत काइलन मार्केट में वैष्णो देवी माता मंदिर के सामने व सब्जी मंडी में स्थित शराब की दुकान हो या फिर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुंदन नगर रोड स्थित दोनों शराब के ठेकों पर बेखौफ रात 8 बजे बाद शराब बेची जाती है। यही हाल शहर के अन्य स्थानों का भी है, जहाँ पर शहर की शराब की दुकानें बंद होने के बाद एमआरपी मूल्य से अधिक दामों पर शराबियों को शराब बेची जाती है। वहीं जब इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी तारामती वैष्णव से बात की, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर रात 8 बजे बाद शहर में शराब बिकती है और उन्हें शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन अजमेर शहर में ऐसे अनेकों शराब की दुकान है जहाँ 8 बजे बाद शराब बेची जाती है। अब देखना ये होगा कि अजमेर जिला पुलिस व आबकारी शराब ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही करती है या नहीं।